गुड मॉर्निंग साथियों, जय भीम जय भारत। तो क्या हालचाल दोस्तों, तो स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में एक और नए दिन के साथ। तो दोस्तों आज बहुत ही ज्यादा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी जहाँ का हमारा लोड हुआ है वहाँ का लोड मैं अभी बताऊंगा, ब्लॉग में बने रहना, चलते चलते बताऊंगा, क्योंकि इतना लंबा लोड है कि मुझे लग रहा है कि हमें कम से कम 6 से 7 दिन निकल जाएंगे। 6-7 दिन तो पक्का निकल जाएंगे, और 7वें दिन भी हम पहुंच जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो अभी क्या है, अभी जो वो दो गाड़ियां हैं मेरे साथ में हैं, वो दोनों गाड़ियां आ रही हैं। तो एक गाड़ी तो आ चुकी है, एक वो भाई आ गया। तो अभी हमारे को 4 घंटे हो गए सुबह से चले हुए, हम 4:20 पर वहाँ से चले थे, तो अभी 7:50 हो रहे हैं। तो 7:50 में हमने अपनी गाड़ी रोकी है, अभी यहाँ रुकेंगे हम आधा घंटा, तो आधे घंटे के बाद चलेंगे। और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कितने राज्यों को हम पार करके कौन से राज्यों में हम जाएंगे, क्योंकि हम आप अंदाजा लगाओ 8वें राज्य में हमें जाना है, 7 राज्य पार करने हैं, फिर 8वें राज्य में हम पहुँचेंगे, तब जाके हमारा कंप्लीट होगा ट्रिप। और वो भी यहाँ पे भी नहीं, यहाँ से मतलब समझिए कि हमें कितनी कितनी, अब यहाँ से चलने के बाद कितना कुछ हमें देखना पड़ेगा, कितना कुछ आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं, अभी तो फिलहाल अभी हैं यहाँ पर, अभी हम फ्रेश फ्रेश हो लेते हैं। ओहो, टॉयलेट में तो उसने ताला मारा हुआ है। ओह, तो ये भैया हमारे ट्रैक्टर, नीचे 5 ट्रैक्टर हैं, तो हमें चलना थोड़ा अंदर। तो हमें करना क्या है, जो ये हमने साइलेंसर बांधे है ना, ये साइलेंसर है, पूरे 9 ट्रैक्टरों के साइलेंसर है। तो मैंने इसके नीचे फॉर्म नहीं लगाई, तो अभी मैं इसको एक काम करता हूँ, मेरे पास फॉर्म है नहीं, तो फॉर्म है नहीं लेकिन कुछ ना कुछ जुगाड़ मिल जाता, तो हम इस वाली फॉर्म को निकालेंगे, आप आएंगे इसके नीचे, क्योंकि ये साइलेंसर क्या है, इनके ऊपर जो पेंट और इनके साइलेंसरों के ऊपर एक खास तरीके का कोट होता है, जिसकी वजह से अगर वो हट गया ना तो हमारे ऊपर पलांटी आती है। खराब हो जाएगी, अभी फिलहाल हम इसको इस तरफ डालते हैं। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया यहाँ पर, अब इसे क्या होगा कि इससे ना मैं टाइट कर सकता हूँ और ज्यादा। टेंशन खत्म हो गई, इससे क्या है ना, नीचे ये इसके ऊपर ना पड़ेगा ना तो खींच देगा, तो चलो ये काम तो हो गया, चलो चलते हैं। तो दोस्तों अभी क्या है, अब टाइम मैं फ्रेश फ्रेश होके रेडी हो गए, वो तीसरी वाली गाड़ी भी हमारी आ गई है, कटिंग चाय और उसके साथ बिस्कुट के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। अभी क्या है, यहाँ पर कुछ नाश्ता वैसा तो मिलेगा नहीं, 15 रुपये चाय और 5 रुपये बिस्किट के साथ 20 रुपये। चार है, तीन है, तीन है। सब्जी रात अच्छी बनी है, देखा रात को मटेरियल सारा, 3 दिन से हम ऐसे ही खा रहे थे भाई, ले रहा तो अरे टेम सोने चल। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने क्या मस्त हमारा आज का सुबह का नाश्ता हो गया है, बढ़िया। हमने आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी रात को, और एकदम टेस्टी सब्जी बनी थी, कलर आप देख रहे होंगे एकदम मज़ेदार लग रहा था। और दूसरा रोटियां, ये रोटले बनाते हैं, रोटी नहीं बनाते हैं, रोटले, राजस्थान के बंदे रोटला ज़्यादा बनाते हैं, तो वो इतनी मोटी रोटी होती है कि 1.5 रोटी में मेरा तो पेट भर जाता है, 1.5 में, इतनी मोटी रोटी होती है। तो चलो अब चलते हैं, उन भाई को डीजल डलवाना है उनके, और क्या हम लोग के पास पैसे एक्स्ट्रा नहीं है, तो अभी मुझे उनके उनके लिए अपना कार्ड देना पड़ेगा, तो वो अपना मेरे कार्ड से डीजल डलवाएंगे। तो ये है दोस्तों धर्मपुरी, जो यहाँ पर मार्केट है, ये मार्केट है यहाँ पर, ये रेन के पास ये वो घुस जाएगा ना, काटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। कितने का है एक पीस? 80 रुपये। एक 80। उधर ले चलो ये पाइप, चलो उधर सॉकेट कहाँ है दूसरा वाला?
तो एक भी निकाल दो ना, एक में सारे में थोड़ी निकालना, इस वाले में निकाल गए फंसा दो तो आप फंसाओ वहाँ से, अब आओ उधर से, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा सब। अरे तो ये तो मैं बोल रहा हूँ, फेंकना पड़ेगा ना इधर से, मैं ये समझने के लिए नहीं बोल रहा, इसको फेंकना पड़ेगा, ये मैं बोल रहा था। बस 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 क्या प्रेशर बनाओ, दो मिनट का काम था, दो मिनट का सॉकेट मिल गया, काम हो गया। अब वो प्रेशर लीकेज ना हो, उधर से प्रेशर लीकेज नहीं होगा तो काम हो जाएगा। देखा दोस्तों कितने कमाल की चीज है, तुरंत सेट हो गई, अभी अपना काम बन गया, ना प्रेशर लीकेज है ना कुछ। और तो दोस्तों दोपहर के बज चुका है एक और हम नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और अब यहाँ से क्या है ना, हम आए थे और एकदम गर्मी में पसीने से थोड़ा सा घाट चढ़े थे, घाट चढ़ने के बाद ये आता है भारत का पेट्रोल पंप, और भारत पेट्रोल पंप पे थे हम लोग, तो यहाँ पर हमने अभी नहाया धोया और अभी मस्त हो गए हैं। पीछे गाड़ी हमारी वो पार्किंग में दोनों वहाँ खड़ी, ये क्या है ना भारत पंप पे ज़्यादातर ऐसे पार्किंग होती ही होती हैं, तो भारत पंप पे नहाने का खूब मजा है। अभी हमने नहा भी लिया और प्लस में चावल भी बन गए हमारे, तो ये भैया है ये तो अपना नहा धो के देखो मस्त आ रहे हैं, ये बाल्टी में पानी भर रहा है, हम चल रहे हैं थोड़ा बोतल भर लाते हैं। और ये देखो इधर ये नहाने धोने की व्यवस्था है पूरी, ये पूरा ये नहाने का है, वो टॉयलेट है, और इसके पीछे आरओ का पानी लगा रखा है इन लोगों ने, तो आरओ का पानी भी है, तो बस आरओ पानी भर लेते हैं और पानी भरने के बाद सीधा चलते हैं गाड़ी पे। और ये देखो पीने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, इधर ना लोग ठंडा पानी कम पसंद करते हैं, हल्का नॉर्मली पियेंगे या गर्म पियेंगे। यहाँ से चलेंगे सीधा, अब रुकेंगे अपने पेट्रोल पंप पे जहाँ से हमें डीजल लेना है कृष्णागिरी, तो कृष्णागिरी के बाद फिर सीधा चलेंगे, फिर रुकेंगे सीधा होसूर बॉर्डर पे, तो वो दो जगह अपने को कर्नाटक में, एक तमिलनाडु और कर्नाटक, दो बॉर्डर चेक पोस्ट पार करने होंगे, दोनों चेक पोस्ट का पार करके फिर सीधा बेंगलोर ऑफिस। तो क्या कर रहे हैं, हॉर्न चेक कर रहे हैं अपना, क्या बज नहीं रहा, अच्छा निकल गया, हाँ 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 हाँ, ये भैया खाने पे लगे हैं। तो चलो चलते हैं, और आज इसका सफर अपने को काफी दिन तक 6-7 दिन तक साथ रहेगा, बाकी उसका है अंबाला के उसका है भटिंडा के पास का, ऐसा ना हो हमें इंदौर में जाके अलग अलग जाना पड़े, क्योंकि इंदौर से उसकी गाड़ी जाएगी उधर और हम जाएंगे इधर। तो दोस्तों आ गए हम अपने पेट्रोल पंप पर, ये लो, और यहाँ से लेंगे हम 100 लीटर तेल, और तेल लेने के बाद चलेंगे यहाँ से, हाँ तो ये हमारा 100 लीटर तेल आ गया। साढ़े सात अंगूठ 100 लीटर ये है, मतलब ज़्यादा नहीं है मेरे पास तेल अपना। ये देखिए नॉर रॉन्ग साइड लिया है। देखा दोस्तों वहाँ से यहाँ तक गाड़ी पहुँची नहीं पंप पर, और गाड़ी हमारी एयर ले गई, मेरे पास 100 लीटर से ऊपर तेल था, तो क्या है अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी गाड़ी ना गलत बता रही है, तो इसीलिए रुक जाओ थोड़ा सा गाड़ी लगा के उसका उसकी, वो पीछे वाली गाड़ी भी मेरी गाड़ी एयर ले गई उसकी वाली। गाड़िया एयर ले गई। अब वहां से यहाँ तक गाड़ी पहुंची नहीं, देखा ये होता है ट्रैक्टरों में, ट्रैक्टरों में की दिक्कत हो जाती है, ट्रैक्टरों में क्या है ना गाड़ियां बहुत ज्यादा डीजल उठाती हैं और बताती कम है। अब मेरी गाड़ी ने जो यहाँ तक बताया है वहां से यहाँ तक मात्र 90 लीटर तेल खाया है, गाड़ी में 100 लीटर से ऊपर था, हाँ 10-20 लीटर उसके अंदर बचता भी है। यहाँ तक जो हम लोग किलोमीटर चल के आए है ना वो 350 किलोमीटर के आसपास आ गए। अब अपने पास
जितना तेल था ही उतना, तो क्या कर सकते हैं। देखो ऐसे ढालना पड़ रहा है डीजल। कितना ये तो बच गए दोनों के दोनों, है ना, पंप तक पहुंच गए गाड़िया, दोनों ही बच गए हम लोग। तो एयर कैसे निकालोगे, खोल के? क्या खोलना, नहीं पड़ेगा, पंप चला के निकल हो जाएगा। तो पहले तो नोजल, सादा गाड़ी है ना, तो सादा गाड़ी की नोजलों में थोड़ा सा वो रहता है, नोजल खोलनी पड़ती है। ये तो BS3 है ना? हाँ, BS3 वाली निकल जाएगी शायद। मार रहे हो पंप? लगे रहे बेटा, लगे रहे। आराम से आराम से मारा रे छोरा, जल्दी जल्दी लगा रहे, आगे लोड रहे हैं। लोड आ गया पूरा, मारना लगातार, मार पम, मार पम, मत छोड़, मार मार पम, मारता रहे तभी होगा। चल हाँ, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ हो गई हो गई हो गई, मार मार पम, मार पम, मार, दबा दबा दबा, बच गए भाई, नोजल वोजल नहीं खोलनी पड़ी, नहीं तो दोनों के लिए समस्या हो गई थी आज, तो हो गया था काम। नहीं दोनों की कहानी खराब थी, मेरी तो वहाँ ही, मैं तो बच गया, वो टर्न यूटर्न मारा, यूटर्न मार के मैं बच गया, मैं कहा हो गया। हम तो क्या करो, रॉन्ग साइड में आ गए किसी भी। हाँ अच्छा हुआ तुम रॉन्ग साइड। और यहाँ पर जो डीजल प्राइस है, हमने डीजल डलवाया है, यहाँ पर डीजल प्राइस है 95.79। तो चले भाई निकलते हैं, काफी टाइम हो गया अपने को यहाँ पर चलते चलते, वहां पर काफी टाइम बीत जाएगा, क्योंकि यहाँ से पूरी गाड़ी चढ़ते हुए जाएगी, टोटल चढ़ाई है यहाँ से होसूर बॉर्डर तक। ये देखो ये थोड़ा डाउन पड़ गया ना, तो ये ऊपर में आ गया, इसका टायर दब गया, ये रह गया। चलो टायरों को भी आराम मिल गया, आधा घंटा अपना पूरा हो भी गया। तो दोस्तों बहुत हुआ इंतज़ार, क्योंकि आप लोग वेट कर रहे होंगे कि भाई ये बंदे ने बताया नहीं लोड कहाँ का है, आधा ब्लॉग मेरा जा चुका है। तो दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ, और आपके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। तो दोस्तों हमारा जो लोड है, पूरे 7 सालों के बाद इस बार मेरा इतना लंबा लोड हुआ है, जो कि है मेरा 3000 किलोमीटर का, 3000 गाइस, 3000 किलोमीटर का। तो सोचिए इस 3000 किलोमीटर में हमें कम से कम 7 दिन लगने वाले हैं, ट्रैक्टर लोड है, इसलिए अगर कार लोड होती है तो थोड़ा कम समय, एक दिन का लग सकता है, एक दिन का कम समय लग जाएगा, लेकिन ट्रैक्टरों में पूरा 7 दिन के, 7 दिन के, हमें 8वें दिन हमें पहुंचना होगा शायद। तो दोस्तों यहां से निकलेंगे तो हम तमिलनाडु के, अब समझ लिए तमिलनाडु लगभग ख़त्म होने वाला है, तमिलनाडु को मिला के हमें जहाँ खाली करना है वहाँ 8वां राज्य है, और हमें 7 राज्य पार करके जाना है पूरा का पूरा, जिसमें कि तमिलनाडु हमें 400 किलोमीटर हम चल चुके हैं, और उसके बाद जो कि सबसे छोटे राज्य होंगे वो होगा राजस्थान, और उसके बाद यूपी, उसके बाद हरियाणा। अब जो 3 राज्य सबसे बड़े हमें पार करने हैं, वो करना है हमें महाराष्ट्र, कर्नाटका और MP। अब आपको बता देता हूँ मैं, जो ये राष्ट्र मेरे को, अब आपने इतने जो मैंने राज्य के नाम बताए होंगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए। तो मेरा जो कहने का मतलब ये था, आप लोगों ने समझ तो लिया ही होगा, क्योंकि मेरी ऑडियंस बहुत समझदार है, इसी बात पे लाइक कर देना, क्योंकि मेरा जो लोड है वो पंजाब का है, जलंधर का, और यहाँ का और वहाँ का डिस्टेंस जो है बहुत लंबा डिस्टेंस है, 3000 किलोमीटर बहुत होता है गाइस। तो अभी हम चल रहे हैं यहाँ से, और आज का जो सफ़र, आज हमारा दिन ख़त्म होगा, वो होगा सीधा जाके हमारा कहाँ बता चुका हूँ आपको, किरण पंप पे। तो क्योंकि अभी यहाँ टाइम हो गया, और यहाँ से ट्रैफिक वाला, सारा ट्रैफिक वाला माहौल है, तो फुल ट्रैफिक रहेगा यहाँ से, तो हमें लगभग वहाँ पहुँचने में टाइम लग जाएगा। और दोस्तों 2 दिन के लिए माफ़ करना, आज भी ब्लॉग मैं नहीं डाल पाया, इसके 1 दिन पहले ही ब्लॉग नहीं डाल पाया था, तो बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। तो अभी चलते हैं, सीधा रुकेंगे हम लोग कहाँ,
बॉर्डर पे, ठीक है। तो और आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ दोस्त, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा लेकिन ब्लॉग मेरा ज़रूर आएगा, क्योंकि ठान लिया है जो वो करना है, ठान लिया है जो वो करना है। लोग क्या कहते हैं इससे नहीं डरना है, लोगों का तो काम है आज कहना, लोगों का तो काम है आज कहना, कल यही हमसे पूछेंगे आपके चैनल का नाम क्या है, क्यों सही बात है ना। तो चलो चलते हैं और लेते हैं सफ़र का मज़ा, तो चलो। दोस्तों आज ट्रिप का पहला दिन होता है ख़त्म और हम पहुंच गए अपने पेट्रोल पंप पर। अब यहां से भरवाएंगे डीजल और फिलहाल अब मैं यहां से सीधा अपनी एडिटिंग की तरफ मूव करूंगा और फिर उसके बाद मुझे कितना समय लग जाएगा उससे पहले मैं आपको सबको गुड नाइट बोल देता हूं और अभी चलते हैं। तो दोस्तों कल मिलते हैं, गुड नाइट, गुड बाय, जय हिंद।